हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लगातार लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। बिहार सरकार सिंचाई विभाग के द्वारा देखिए एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दिया गया है। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वेतन आदि का भुगतान कब तक किया जा रहा है। नियुक्त शिक्षकों को अगस्त का जो वेतन है वो अभी तक बकाया था, तो वो मिलना अभी है बाकी। अमित कुमार पुष्पक आप सकते हैं उप सचिव, यहाँ राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य शिक्षकों के वेतन आदि हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में नगर निकाय पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत को सहायक अनुदान वेतन मद में कुल बजट उपबंध राशि रुपये दे सकते हैं। यहाँ पे 33 अरब 2 करोड़ 1 लाख 9 हज़ार रुपये मात्र में से कुल आप दे सकते हैं कि ₹18 अरब 36 करोड़ 36 लाख 69 हज़ार 800 आप दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया है, संविधान की धारा 21 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को आप दे सकते हैं। क्या कुछ लिखा है संविधान की धारा आप दे सकते हैं 21 क के जो आर्टिकल है 21 के क के अंतर्गत कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष से कि आयु के बच्चों को जो है शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है। और आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक छात्र का अनुपात देख सकते हैं 1:40 का है आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 3.23 लाख पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों के नियोजन किया गया है। इस प्रकार कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो के वेतन भुगतान हेतु विभिन्न नियोजन इकाइयों को राज्य सरकार एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान की राशि दी जाती है। नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के मद से किया जाएगा। राशि का प्रावधान वर्ष 2024-25 के बजट में किया गया है। वर्ष 2024-25 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में नियोजित नगर प्रखंड पंचायत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में निम्नवत प्रावधानित राशि में से देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि देख सकते हैं 72 करोड़ 2 लाख 65 हज़ार रुपये जो है राशि धनराशि जारी की गई है। मात्र विकलन मुख्य शिशु 2022 सामान्य शिक्षा उप मुख्य शिशु देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा लघु देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है और कहा जा रहा है देख सकते हैं कि नगर परिषद के अंतर्गत निवेश सचिवों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल रुपये 1 अरब 8 करोड़ 12 लाख 69 हज़ार रुपये में से कुल आप देख सकते हैं ₹72 करोड़ 14 लाख 10 हज़ार 440 देख सकते हैं। और स्पष्ट रूप से तमाम बातें यहाँ पे कर दी गई है, कह दिया गया है देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं धनराशि जो है वो जारी कर दी गई है। जिला अधिकारी का को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के वेतन एवं बकाया वेतन का भुगतान करेंगे। भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है। और देख सकते हैं बहुत अच्छी खबर जो कि नियोजित शिक्षकों को खुश कर दे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जिला के कोषागार में CFMS के माध्यम से राशि की निकासी विधि विभाग के पत्रांक यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 2/8/2010 देख सकते हैं कि कंडिका 2 घ के अनुसार निजी निकायों में पूर्व की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली जाएगी। आप देखते हैं जिले के लिए चयनित का नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित निजी निकायों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। नियोजितों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से विभागीय निर्देश के आलोक में किया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर जो है वो आ गई है वेतन आदि भुगतान के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हैं डेट भी यहाँ पड़ी हुई है। तो दोस्तों एक बिग अपडेट, बड़ी खुशखबरी, आप खुशी से झूम उठेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।